बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे, और जोश जगा दे में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले तो आप लोगों को रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत आमद जो है मुबारक हो। बरकतों का, रहमतों का महीना है, और अल्लाह करे कि ये महीना पाकिस्तान के लिए रहमतों का महीना साबित हो। रमज़ान मुबारक का तो कल पहला रोज़ा है, लेकिन चूंकि मैचेस के टाइमिंग्स तब्दील हो गए, रात 9 बजे के बजाय अब मैच रात 10 बजे शुरू हो रहा है, और इस वक्त भी मैच जारी है। इस वक्त मैच जारी है पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स की टीमों के दरमियान नेशनल स्टेडियम कराची में, जहां 148 रन का टारगेट मिला है फतह के लिए और कराची किंग्स को। और इब्तिदा में जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स, तो लग यही रहा है कि ये मैच जो है खासी मुश्किल सूरत हाल से दो चार होगा। लो स्कोरिंग मैच है, पिच ऐसी है कि जिस पर स्कोर करना बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है, गेंद रुक कर आ रहा है, ग्रिप हो रहा है, और स्लो विकेट भी है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ दोनों हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, खुर्रम मंजूर पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर और पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर तनवीर अहमद, इन दोनों से हम बात करेंगे। और जिस तरह आप रोज़ाना अपनी कॉल्स के ज़रिए अपनी राय का इजहार करते हैं, ज़रूर कॉल कीजिएगा, लेकिन कॉल करके आप डायरेक्ट सवाल पूछिएगा, बजाय इसके कि आप खैरियत दरियाफ़ करें और अपनी राय का इजहार मत कीजिए, आप प्लीज़ सवाल कीजिएगा। और आपको अपना नंबर बताते चलें, 021-3580-4224 पर कॉल कीजिएगा, और खुर्रम मंजूर और तनवीर अहमद से कोई भी सवाल पूछना चाहें तो पूछ लीजिएगा। ये क्योंकि मैच जारी है तो इस मैच के हवाले से भी हम बात करेंगे, और इस HBL PSL 9 के हवाले से भी बात करेंगे। खुर्रम, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, कैसे देखते हैं आज की पिच जो है बिल्कुल डिफरेंट नज़र आ रही है। कहाँ कल इस्लामाबाद में 229 रन चेस हो गए, नेशनल स्टेडियम कराची में गुज़िश्ता दो मैचेस आखिरी गेंद पर डिसाइड हुए, लेकिन आज नेशनल स्टेडियम में लग रहा है कि बैट्समैनों के लिए बड़ी मुश्किल है। अच्छा, एक चीज़ है इकबाल भाई, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा विद रिस्पेक्ट सारे क्यूरेटर्स की, इतनी फ्लैक्चुएशन किस तरह हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ना तो यहाँ तूफ़ानी बारिश हुई है, ना यहाँ वेदर का मसला था कराची में। चले पिंडी में समझ में आ रहा था, ठंडा वेदर था, धूप नहीं निकल ली, बारिश हो गई, चलो जी कवर नहीं हटा सकते, अबर था। यहाँ तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी। इस तरह की स्लो पिच, गेंद ग्रिप हो रहा है, नया बॉल ग्रिप हो रहा है, मतलब शोएब मलिक कितने डेंजरस। यही मैं अर्ज कर रहा हूँ सर, पब्लिक ना एंटरटेनमेंट के लिए देखती है शॉर्ट फॉर्मेट क्रिकेट। अगर आप इसमें से एंटरटेनमेंट निकाल लेंगे ना तो ये जीरो हो जाएगी। बाउंड्रीज लग रही थी कल 200-250 रन तकरीबन बने, और वो भी कम लग रहे थे। क्या मजा आया आखिरी ओवर तक। आखिरी चार दिनों में चार ऐसे मैच हुए सर जो आखिरी बॉल तक ऑलमोस्ट गए, और सब पब्लिक ने इंजॉय किया। ये आज जो मैच हो रहा है सर, ये 148 वो भी पावल भाई की वजह से पहुंच गए, वरना तो ये 125 पे बुक हो गए थे। बाबर के बाद जिस तरह उसने बैटिंग की है, और कहीं ना कहीं थोड़ी सी गंदी कप्तानी हुई है जिसकी वजह से वो इतना अच्छा टोटल करने में, क्योंकि इस टोटल पे अगर ज़ल्मी हारती है ये रन इस पिच पे बहुत है। तनवीर, आपकी क्या राय है, आप भी नेशनल स्टेडियम में क्रिकेट खेले, इस तरह की पिच और वो भी T20 टूर्नामेंट, वो भी पाकिस्तान का ब्रांड HBL PSL 9, उसमें इस तरह की पिच जहाँ पर स्ट्रोक्स ही खेलना मुश्किल हो रहे हैं, गेंद ग्रिप कर रही है, रुक कर आ रही है, बाउंस इतना नहीं है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, और बड़ी हैरानगी हुई है मुझे। और ये नहीं है कि नेशनल स्टेडियम में पहला मैच हुआ, उससे पहले भी मैचेस होंगे, तो ऐसा पिच तो हमें कहीं जो है वो नज़र ही नहीं आया, ठीक है ना। अब आप मुझे एक चीज़ बताएं ना कि एक पिच ऐसी हो रही है जहाँ पर बल्ले पर बड़ा अच्छा बॉल आ रहा है, ठीक है, रन्स बड़े ज़बरदस्त बन रहे हैं, और एक पिच ऐसी आपने एकदम से बना दी कि बैट्समैनों से रनज ही नहीं हो रहे, तो मुझे नहीं समझ आई। क्यूरेटर अगर मैं गलत नहीं तो वही आगा जाय साहब ही देख रहे हैं शायद। आगा जाय साहब चीफ क्यूरेटर, ठीक है ना, हर जगह वही वो हो रहा है। तो बात ये है कि रिटायरमेंट के बाद उनको जो है रखा गया। वो तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो बंदा रिटायर हो जाता है उसके बाद रखने का कोई उसका मकसद नहीं होता। ठीक ठाक उन्होंने पिचेस के ऊपर काम कर लिया, तो ये जो क्यूरेटर होते हैं उनसे जरूर पूछना चाहिए क्रिकेट बोर्ड को कि भाई ये किस किस्म की जो है वो आपने पिच बना दी, स्पिनर कहाँ बॉल कर रहा है, गेंद कहाँ जा रही है, बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा था ये तो इस पिच के हिसाब से बाबर आजम एक टेक्निकली एक बहुत अच्छा प्लेयर, बड़ा नाम जिसकी वजह से वो रन कर गया, वरना वो भी रन नहीं करता तो मुझे लगता है ये रन होते भी नहीं। क्या कह रहे थे आप? नहीं, तनवीर भाई की बात को सेकंड इस तरह करूंगा कि बाबर ने ना बेसिकली अपनी क्लास शो की है। मुश्किल जिस तरह वो खेल रहा था ना, लग ही नहीं रहा था पिच इतना मुश्किल। शोएब मलिक ने उसको कितना परेशान किया, मैं बता रहा हूँ ना सर, जितना बॉल देखे, गेंद ब्रेक होना, नॉर्मल ब्रेक होना फिर मैनेजेबल होता है, मैनेज कर लेते हैं बैट्समैन। मैं खुद बैट्समैन हूँ,
मगर गेंद ग्रिप होके ब्रेक होना ना वो अनप्लेबल बॉल होता है। बैट्समैन खेलता कुछ है, बाउंस के साथ ब्रेक हो रहा है और उस पर आपने 148 कर दिए, उसके बाद अगर आप ये रन चेस करवा देते तो आपकी बॉलिंग पे, आपकी कप्तानी पे डाउट। इसमें जिस किस्म की अभी बॉलिंग हो रही है ना पेशावर जलमी की तरफ से, बहुत गंदी बॉलिंग हो रही है। और ये मेहरान मुमताज के जिस तरह मैंने एक ओवर देखा, उन्होंने 3 चौके खा लिए हैं इस पिच के ऊपर, ठीक है। उनको बताना चाहिए कि ये पिंडी वाली पिच नहीं है, वहाँ पे आप फ्लाइट के साथ बॉल करेंगे तो बहुत आराम से छक्के लगेंगे। वहाँ आप तेज तेज बॉल कर रहे थे जिसकी वजह से बैट्समैन रीड करना मुश्किल हो रहा था। यहाँ पे आपने थोड़ा सा फ्लाइट के साथ बॉल करना और पिच पे बॉल हिट करना है जिसकी वजह से बॉल ब्रेक हो रहा है और फंस के आ रहा है। वो तेज तेज बॉल कर रहे हैं, वो उनका इस पिच पे परफॉर्म करना, वो परफॉर्म करेंगे तो टीम को फायदा होगा। इस वक्त प्रोग्राम के पहले कॉलर हमारे साथ मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम। जी काशिफ साहब, क्या पूछेंगे जी? सर मैंने ये पूछना था कि आगे वर्ल्ड कप T20 का आ रहा है, तो जो ये सिलेक्शन होगी PSL से होगी या कैसे इसको बनाएंगे टीम को, पाकिस्तान टीम को T20 के लिए? 20 टीम है सर अभी तो काशिफ साहब, 5 मैचेस हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ T20, फिर पाकिस्तानी टीम को इंग्लैंड जाना है, इंग्लैंड के बाद आयरलैंड जाना है, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के बाद ही पाकिस्तान की हतमी जो 15 रुकनी स्क्वाड है ना उसका फैसला होगा। अभी कुछ नहीं है, कैंप लग रहा है काकुल में, पाकिस्तानी खिलाड़ियों का तरबियती कैंप लग रहा है, ट्रेनिंग कैंप, तो अब देखें क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखें खुर्रम, जिस तरह से 31 रन 5वें ओवर में अब तक बन चुके हैं, तो इसका मतलब है कि और आउट भी कोई नहीं हुआ, तो इसका मतलब है बड़े इत्मीनान से जा रहे हैं वो लोग। नहीं, इत्मीनान से तो नहीं जा रहे, जिस तरह उन्होंने चलाना, शेफर्ड ने खासतौर जिस तरह बैट चलाना शुरू किए और उसको बिल्कुल ऑलमोस्ट मुंह पे दे रहे हैं बॉल, तो वो तो मारेगा। दूसरी बात ये, अगर आप इस तरह के मैच में, लो स्कोरिंग मैच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैच नहीं पकड़ेंगे, 50-50% एक कैच अभी हुआ जो ड्रॉप हो गया, अगर वो एक्स्ट्रा एफर्ट होती तो वो कैच हो सकता था। तो ऐसी इस तरह की लो स्कोरिंग मैच में आपको फील्डिंग जितवाती है, डिसिप्लिन बॉल। कराची से भी कैच ड्रॉप हुए आज, वो तो सर पूरे टूर्नामेंट में सबने किए माशाल्लाह, और इतनी मैं हैरान हूँ। और सर इस कॉलर, ये जो कॉलर ने अभी सवाल किया वर्ल्ड कप से रिलेटेड, थोड़ा सा हम लोग डेली बैठ रहे हैं और डेली ऑलमोस्ट एक आध कॉल आती है वर्ल्ड कप की टीम से रिलेटेड, तो सिंपल कर देता हूँ सर, ऑलमोस्ट इसी PSL के अंदर से लड़के चुन लिए जाएंगे, क्योंकि आगे जो सीरीज है पाकिस्तान टीम के लिए। जी मैं आपको क्लियर, वर्ल्ड कप के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना सर, लॉजिक दे रहा हूँ, उसकी लॉजिक ये, आगे डोमेस्टिक नहीं है, डोमेस्टिक खत्म हो गई, डोमेस्टिक के एंड पे PSL हो गया, की टीम आ रही है पाकिस्तान टीम खेलेगी ना, डोमेस्टिक की टीम तो नहीं होगी, उनसे खेलेगी ना, तो इसलिए जो ऑलमोस्ट इन्होंने डिसाइड किए हैं उसमें एक आध तो चेंज हो जाए, कोई सरप्राइज पैकेज, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मर है ये। जो पहले मैं इस मैच की एक बात कर लूं, देखिए 147 जो किए है पेशावर ने वो बड़ी मुश्किल से की है, क्योंकि उनके पास 3-3 स्पिनर्स थे, उसके बावजूद बड़ी मुश्किल से की है। इनके पास एक स्पिनर, इनके पास एक स्पिनर है। अब साहिम अयूब कब आता है, कब बॉल करता है, क्या वो ऐसी बॉल कर पाएगा? फिलहाल मेहरान मुमताज ने तो वैसी बॉल नहीं की, उसको मार पड़ी है। तो अगर आपका पास एक ही जेन्युइन स्पिनर है तो फिर आप कैसे ये रन्स रोकेंगे, क्योंकि फास्ट बॉलर्स के हिसाब से इतनी मुश्किल नहीं हो रही। अगर फास्ट बॉलर के ऊपर जाएंगे तो मुझे नहीं लगता ये रन्स रुक पाएंगे, तो ये नुकसान हो सकता है पेशावर को कि उनके पास 2-2, 3-3 स्पिनर नहीं है। लेकिन उन जो 3 स्पिनर खिलाए उसमें से जो मिनास ने आज बॉलिंग की, नो डाउट विकेट बहुत हेल्प थी, लेकिन उसने एक बॉल करके बताई कि ये जगह है, चाहे बाबर है सामने चाहे कोई भी है, उसको बॉल करने आती है। नवाज से बहुत बेहतर लगा, मैं ये नहीं कह रहा कि उसका बॉल ब्रेक हो रहा था आज, पिच मुश्किल थी, नहीं, उसने एक चीज बताई कि यार मैं भी अच्छी बॉलिंग जो है वो कर सकता हूँ। बाकी पाकिस्तान टीम की जो बात हुई थी, आपको पता है यहाँ किसी वक्त कुछ भी हो सकता है, कोई भी लड़का टीम में आ सकता है। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं शाहिद बोल रहा हूँ सर, मुल्तान मेलची से। जी शाहिद साहब क्या कहना चाहेंगे? मेरा सवाल तनवीर साहब से है कि सर वो बाबर आजम माशाल्लाह पूरी वर्ल्ड का नंबर वन बैट्समैन है, और क्या नाम है, कुछ मीडिया उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है, कुछ लोग उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, तो उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी या डाउन होगी? तो तनवीर साहब उनको बड़ा फेवर करते हैं, तो इस बारे में मैं तनवीर साहब से पूछूंगा। चले ठीक है, जवाब लें, क्या कहेंगे तनवीर? नहीं बिल्कुल, वो उसकी परफॉर्मेंस जो है बड़ी जबरदस्त जा रही है, और मैंने वर्ल्ड कप में जब इसके साथ जो मसले शुरू हो गए थे और उसके बाद इसको कप्तानी से हटाया, तो मैंने उसी टाइम एक बात बोली थी, देखें जिसको अल्लाह ने इज्जत देनी होती है ना, चाहे आप कप्तानी उससे लें चाहे ना लें,
तो उसके बाद आप देख ले, वो हर मैच में रन्स कर रहा है, हर जगह जा रहा है, रन्स कर रहा है, उसको इज्जत मिल रही है। और हमें चाहिए कि अगर आपके पास वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन वर्ल्ड क्रिकेट है और पाकिस्तान में, तो उसको सपोर्ट करनी चाहिए। छोटे छोटे जवाब दीजिएगा प्लीज। खुर्रम, देख रहे हैं विंस और सीफर्ट जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं, आप मुझे तो लग रहा है कि मुश्किल डाल देंगे ये। सर मैं फिर कहूंगा शायद फिर तन्वी भाई नाराज होंगे, गेंद कर रहे हैं वो लोग, नहीं नाराज होंगे। बाबर कप्तानी क्या कर रहा है? हाँ। जहाँ पे करवानी चाहिए एक्चुअल में साइम को, उसने आज अभी तक बॉलिंग ही नहीं करवाई उसको। आमिर जमाल वगैरह कर रहे हैं बॉलिंग, और मुझे लग रहा है मेहरान को भी बोला शायद थोड़ा छोड़ के बॉल करना, तो वो आज बॉलर बनने की कोशिश हो रही है, तो उसको चौके लगे एक ओवर में तीन, वरना वो बॉल तेज तेज करता है विद इन स्टंप और बॉडी को फॉलो करता है। आज वो बॉल एयर में छोड़ रहा है बॉल, छठे ओवर में 44 रन तो काफी आसान हो गए। शुरू के तीन ओवर में 2.4 बॉलों पे 7 रन थे। हाँ, अब उसके बाद से लगना शुरू हो गए फास्ट बॉलर पे, फास्ट बॉलर भाई स्पिनर ग्रिप कर रहा है बॉल। हाँ। तो आप स्पिनर्स को लगा देना, आप शुरू में 8 ओवर अगर निकलते हैं स्पिनर के, या 10 ओवर में 8 ओवर निकल गए, 6 ओवर निकल गए, कोई मसला नहीं, मैच आपका सीधा हो जाएगा। शान ने अलग के शुरू में शोएब मलिक से बॉलिंग कराई, भाई क्या तो बोल रहा हूँ ना मैं, साइम अच्छी बॉल कर रहा है, आज उसको करानी चाहिए तो आज वो लगा नहीं रहा। उसके मतलब की है साइम अय्यूब की, देखिये कहीं ना कहीं हो सकता है शायद उसके माइंड में हो कि फास्ट बॉलर का बॉल स्विंग हो रहा है, शायद वो ना गया हो, लेकिन जब वो लेके आया मेहरान को उसने 3 चौके खा लिए। आज उसने छोड़ के बॉल की ना, उसने वो जब फ्लाइट दे रहा था, सही कह रहा है, किसने मेहरान तेज नहीं कर रहा था, आज स्लो कर रहा है, सीधा मुंह पे बॉल कर रहा है, वो पिच को यूज नहीं कर रहा, वो सीधा मुंह पे बॉल कर रहा है। आप उसके चौके देख ले, अगर वो सीधा मुंह पे कर रहा है जिसकी वजह से उसको 3 चौके लगे हैं, तो हो सकता है शायद फिर बाबर आप उसको साइम को ना लेके आए या आगे जाके लेके आए, लेकिन फिलहाल फास्ट बॉलर भी अगर यहाँ चौके खा रहे हैं गलत खा रहे हैं, उनके फास्ट बॉलर ने भी एक जगह पे बॉल की है, स्लो वन बड़े अच्छे जो है वो यूज करते रहे, तो मुझे नहीं लगता कि ये पिशावर की टीम ये मैच बचा पाएगी। अगर पिशावर खुर्रम हारती है फिर क्या क्वेटा मैच जीते सीधा टॉप 2 में, तो पिशावर भी तो रहेगी, नहीं मुल्तान है सर, मुल्तान तो रहेगी मगर अभी चांस एक और है ना कल मुल्तान को, मुल्तान को तो ये है कि फिर तो वो जाएंगे ना कि हमसे कोई कह ही नहीं, अगर जीतते हैं और अगर कल क्वेटा मुल्तान को हरा देती है तो फर्स्ट क्वेटा हो जाएगी, सेकंड मुल्तान हो जाएगी, थर्ड ये हो जाएंगे, तो पिशावर के लिए आज का मैच, पिशावर अगर जीतती है सर तो फिर ये है ही, ये तो आगे निकल जाएंगे क्योंकि जीतेंगे तो एवरेज भी अच्छा होगा, क्योंकि नंबर 1 और 2 टीम्स को एडवांटेज होगा ना कि जो हारेगा उसके बाद दूसरी वाली जीतने वाली टीम से भी खेलेगा, एक मैच एक्स्ट्रा का चांस मिलता है और ऐसी अपॉर्चुनिटी कोई नहीं छोड़ता इतने बड़े इवेंट में, और खासतौर वो टीम जो शुरू से स्ट्रगल कर रही है, तो अभी ये देखे ना अभी विवेट बॉलिंग हो रही है, 48 रन आप अंदाजा लगा, मतलब कमाल क्या हुआ आमिर जमाल को, क्या हो गया आमिर जमाल ने, वो अभी चुप करा देंगे सबको आपको हमें नहीं मतलब यानी यार जैसी विकेट है उस हिसाब से बॉलिंग तो करनी चाहिए ना, रन बहुत ज्यादा है, 147 कम रन नहीं है, इसको देखते हुए इसमें इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पिनर्स के ऊपर चले, मुझे बात बताओ ना आमिर जमाल क्या बॉलिंग कर रहा है, चौके पे चौके दिए जा रहा है भाई, इस पिच के ऊपर अगर आप विद इन स्टंप बॉल करेंगे, आप पिच को हिट करेंगे, सीम हो रहा है बॉल, सही है। अच्छा इनको थोड़ा सा ना ये भी समझना पड़ेगा, जब क्रिकेट खेलना शुरू करेंगे अब पता नहीं कब समझेंगे, जब ऐसी पिच होती है ना जो सॉफ्ट होती है, थोड़ी सी गीली होती है पिच, वहां पे आप जितना जोर लगाएंगे गेंद उतना बल्ले पे आता है, आप छोड़ के थोड़ा सा बॉल करें, गेंद स्विंग भी एयर में होता है, सीम भी होता है, वो बहुत मुश्किल होता है। अभी आप मुझे बताएं ना ये जो वुड लुक वुड जो बॉल कर रहा था वो कौन सी, कोई बड़ी तेज गेंद कर रहा था, ठीक है, उसका बॉल कितना अच्छा स्विंग, ये पता है क्या मसला है आमिर जमाल को, ये गेंद ना जोर से ला के मारने की कोशिश करता है जिसकी वजह से इसका बॉल स्विंग सीम नहीं होता है। एक कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहां से जी, आप अपने टेलीविजन की आवाज प्लीज बंद कर दें, फिर आपकी कॉल ड्रॉप करना होगी। आपको मेरी आवाज आ रही है? कॉल ड्रॉप हो गया। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब आपकी कॉल स्टूडियो में इन कर दी जाए तो उस वक्त आप प्लीज अपने टेलीविजन सेट्स की आवाज जो है बिल्कुल म्यूट कर दें और हमसे बात करें, फिर बाद में जब रिपीट होता है प्रोग्राम, जब आप अपनी आवाज खुद सुनना चाहें तो जरूर सुन लीजिएगा। लेकिन अब जो सिचुएशन है कि 148 और उस पे इस तरह की सिचुएशन आ गई है कि तकरीबन 50 का आप इसे दे, 4 बॉलों में 3 चौके खा लिए हैं जमाल साहब ने, वो करा तो वो तो कह रहे हैं एक्सपर्ट के बड़ा जबरदस्त ऑलराउंडर मिल गया, शुरू में इसको नहीं खिलाया था। मैंने आपको याद है पहली वीक में बोला था एक मिनट में हमें वसीम भाई मिल जाता है, इंजी भाई मिल जाते हैं, जावेद भाई मिल जाते हैं, जहीर अब्बास में, अब भाई थोड़ा सा खेल के लिए बीएसएल में पहली इनिंग खेली, बाबर आजम मिल गया भाई, सही वो क्या हो गया, बाबर आजम से बॉल नहीं खेली जा रही थी अभी पिछले 4 मैचों से।
अब आमिर जमाल की काफी पिटाई हो रही है, हम एक ब्रेक की तरफ चल रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे इस मैच के हवाले से आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल मजीद बताएंगे। हमारे साथ खुर्रम मंजूर और तनवीर अहमद मौजूद हैं। ब्रेक के बाद अगर आप कॉल करना चाहें तो जरूर कॉल कीजिएगा। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जब हम ब्रेक पर थे तो विकेट कीपर मोहम्मद हारिस से न सिर्फ कैच ड्रॉप हुआ बल्कि स्टंप भी मिस हुआ टिम सीफर्ट का, और ये नुकसानदेह साबित हो सकता है। खुर्रम क्या कहेंगे, मोहम्मद हारिस की तो बड़ी तारीफ होती है और ये बड़ा अच्छा मौका था जिस तरीके की बॉलिंग कर रहे थे साइम अयूब, एक अपॉर्चुनिटी मिली उसको ज़ाया कर दिया इन्होंने। सर ध्यान क्रिकेट पर होगा तो कुछ और होगा ना, ध्यान ही नहीं है। दूसरी बात ये सर, प्लेयर अच्छा है, हम खुद उसको बोलते हैं कि भाई आप प्लेयर बहुत अच्छे हो, मगर आप क्रिकेट पे फोकस करो तो ज़्यादा अच्छा है। आपसे अभी मैं डिस्कस कर रहा था ब्रेक में जाने से पहले कि स्पिनर में अगर आप साइम को यूज़ करना चाहें नए बॉल पे, जिस तरह आपने पिछले मैचों में यूज़ किया है, आपने डिफरेंस देख लिया सर। तनवीर क्या कहेंगे, साइम अयूब को लाए और आते ही उसने पहले ही ओवर में तकरीबन विकेट ले गया, तो इतना बड़ा स्टंप था वो मिस हुआ, बल्ले से भी गेंद टकरा के गई, ना कैच कर सका ना स्टंप कर सका हारिस। देखिए अगर हम पिछले मैचेस में जाएं ना, अगर हम साइम अयूब को देखें, उन्होंने जो सर्किल में बॉलिंग की है बहुत अच्छी बॉलिंग, ठीक है बहुत अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन जब पहली दफ़ा उसने बॉल करनी शुरू की तो मेरे माइंड में एक चीज़ आई कि ये जो पिंडी की पिचेज हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं वो अगर स्पिनर कोई फंसता है तो साइम अयूब से सर्किल में बॉलिंग करवा के उसके दो ओवर या तीन ओवर इसके ओवर तो निकाले जाएं, इसके ओवर्स निकाले जाएं किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया, उसने जब एलेक्स हेल को आउट किया तो फिर बाबर आजम उसको कंटिन्यू करवाने लग गए और बॉलिंग बहुत अच्छी करने लग गए। लेकिन ये जो आज की पिच थी यहाँ पर पहले करवानी चाहिए, इस पे जाना चाहिए था उसको, क्योंकि एक तो अगर वहां पे वो बॉल अच्छी कर रहा है तो यहाँ पे भी इसको जाना चाहिए था, क्योंकि इसका जो हाथ है वो इतनी आसानी से रीड नहीं हो रहा कि बॉल ऑफ स्पिन कर रहा है या बाहर निकाल रहा है, खैर मुश्किल हो रही है। खुर्रम क्या कहेंगे अभी जो सूरत हाल है, इसमें कोई शक नहीं, और अभी भी मैच हाथ में है सर, असल गेम ही सर्किल के बाद पता चलता है कि किधर जाए। सर्किल में आपने 6 ओवर में 60 रन भी करते ना फिर भी 100 रन बचते, जो खेलते हैं 6 में 60 कर लिए कोई आउट, उसके बाद भाई आपके 15 ओवर कैसे फिर पता चलता है। सर्किल के बाद गेम T20 जो बेसिकली है ना, वो सर्किल के बाद स्पेशली 6ठे ओवर से 15वें ओवर के बीच में, जो बीच में मिडिल ऑर्डर है और आपके जो बीच में स्पिनर्स बॉल करते हैं वो पूरा मैच इधर उधर करते हैं। 8 में 61 रन, इससे पहले मैं कॉल लूं क्या कह रहे थे। देखिए 61 मेरे हिसाब से इस पिच के हिसाब से बहुत ज्यादा हो गए, बहुत ज्यादा हो गए, लेकिन आपको अगर ये मैच जीतना है तो जो हारिस ने कोर्ट बैंड छोड़ा है, कोर्ट बैंड भी है साथ में स्टंप भी छोड़ दी है, तो भाई ये सब कुछ तो नहीं चलेगा ना, क्योंकि आपने एक तो टोटल कम किया है, उसके बाद आप विकेट लेंगे तो आप मैच जीतेंगे। इस सिचुएशन में बॉलर के साथ आपकी फील्डर्स, आपके जो विकेट कीपर, इन सबकी सपोर्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है ओ भाईजन ब्रेक हो रहा था बॉलर तो कम है दे बैट्समैन बॉल कॉर्ड बैंड कराते जाओ, ऐसा नहीं है, सबका अमल दखल होना चाहिए। एक कॉलर है बड़ी देर से होल्ड पर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहां से? नदीम अनवर बात कर रहा हूं लाहौर से। जी नदीम साहब क्या कहना चाहेंगे? जी मेरा सवाल ये कि हारिस रऊफ अनफिट है तो अगली सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ है, इसमें एहसानुल्लाह को चांस मिल सकता है, मोहम्मद अली या फिर वो हसन अली की पर्ची काम कर जाएगी? नहीं एहसानुल्लाह तो खुद ही अभी फिट नहीं है ना, वो तो पीएसएल नहीं खेल रहे मुल्तान से। हसन अली अब बाबर कप्तान तो नहीं है, अब हसन अली को कौन लाएगा ये भी देखना है, और अगर देखा जाए तो उसके अलावा आप जो कह रहे हैं ना कि किसको तीसरा कौन था आप कह रहे थे फास्ट बॉलिंग, मोहम्मद अली ने मुल्तान में अच्छी बॉलिंग की और उसके बाद आकर वो थोड़े मुश्किल में हुए, तो देखें क्या होता है। क्या कहेंगे तनवीर, आपसे शुरू करते हैं, क्या कहेंगे? देखिए मोहम्मद अली तो इम्प्रेसिव तो बहुत अच्छा रहा पहले मुल्तान के उसमें, उसके बाद हम लोग यही डिस्कस किया फिर हमने कि अगर ये यहाँ से बाहर निकलता तो फिर कैसी बॉलिंग करता है, लेकिन उसने ठीक ठाक रन्स देने लग गया, इसका मतलब ये है कि बैटिंग पिच के ऊपर भी वो स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन आप ये जरूर कह सकते हैं कि हाँ इस पूरे पीएसएल में जो बेहतर जो बॉलिंग की है वो मोहम्मद अली ने की है। और दूसरी बात न्यूजीलैंड की सीरीज है, यहाँ कुछ पता नहीं है, बी टीम आती है उनकी, सी आती है, जो भी आती है, खैर उस हिसाब से ये किसी ना किसी न्यूजीलैंड ने कैसा टेस्ट मैच न्यूजीलैंड को आज ऑस्ट्रेलिया ने हराया, आपने देखा ऑस्ट्रेलिया की टीम है। एलेक्स कैरी जो था वो सेंचुरी नहीं कर सका 98 में, वो कह रहे हैं कि जी वो पता नहीं चल सका, कप्तान ने विनिंग शॉट मार दिया पैट कमिंस। अच्छा अच्छा मुझे एक चीज बताएं, ऑस्ट्रेलिया की टीम ऑस्ट्रेलिया में खेलती है या न्यूजीलैंड में खेलती है या पाकिस्तान में खेलती है, आप मुझे बता दें कितनी चेंजिंग्स होती हैं उसके अंदर।
कितनी चेंजिंग होती है वहाँ, बकौल आपके पर्ची नहीं आती ना, तो ऐसी बात है जिसमें पर्ची होती है वहाँ पे पूरी पूरी टीम चेंज होती है, जिसमें पर्ची नहीं। मैं आपको सही बात बताऊं, अगर अगर उन जगहों पे पर्ची सिस्टम यही नहीं होता ना, अगर अगर मैं वहाँ होता तो शायद मैं वहाँ टीवी पे भी नहीं होता, हम कोचिंग पे कहीं लगे हुए होते। यहाँ पे हम वहाँ पर आप ज्यादा टेस्ट मैच खेल चुके होते ना। हाँ, मेरे ख्याल में ज्यादा खेल भी चुका था, क्योंकि जब जो नाइंसाफी मेरे साथ हुई थी उस टाइम मैं चलता रहता टीम में। खैर ये तो पुरानी डिबेट हो गई, लेकिन यहाँ पे किसने की थी नाइंसाफी? वकार यूनुस ने। अच्छा, वकार यूनुस ने बाहर करवाया। स्टेडियम में मुझे मिलेंगे, अभी वो कमेंट्री कर रहे हैं। 50 दफा मैं तो 36 दफा टीवी पे बोल चुका हूँ। अच्छा, मैंने तो मोहसिन हसन खान साहब को फोन भी किया था कि मैं क्यों टीम से बाहर हुआ हूँ। उन्होंने बोला कोच से पूछ लो, वो कहता है कोच कहता है आप फिट नहीं थे, आप टेस्ट मैच जो खेले वो फिट नहीं थे। नहीं, इनके होते हुए बात करो, मैं 2013 की बात नहीं कर रहा, मैं 2011 की बात कर रहा हूँ, जब हम वेस्टइंडीज के टूर के बाद जिम्बाब्वे का टूर था उसमें ड्रॉप किया था हम 3-4 लड़कों को, फिर श्रीलंका की टेस्ट सीरीज उसमें ड्रॉप किया था, तो वो उन्हीं ने किया था। विंस आउट हो गया सर, मैच चेंज हो रहा है साइम के ओवर के बाद से, आप देख ले चेंज हो रहा है, बिना बाउंड्री का ओवर गया है, 7.5 रन की एवरेज थी, इस ओवर में बाउंड्री नहीं आई है, आउट हुआ है, और आने वाला इतने आराम से रना बॉल नहीं खेल सकता, 7.5 रन मुश्किल है, पिच पे बाउंड्री मारना मुश्किल है। तो बाउंड्री तो आमिर जमाल ने 3 खाई है? नहीं, मुझे, तो है तो मुझे मुझे एक चीज बताएं ना, मुझे एक चीज बताएं, हम अभी चलें इस टाइम कराची की साइड लेके बात कर लेते हैं, ठीक है भाई, जेम्स विंस को ये शॉट मारने की जरूरत है नहीं है? आपने सर्किल में इतना अच्छा स्टार्ट दे दिया है भाई, साइम को चौका लगा या नहीं लगा, आपको आप सेट भाई, इस पिच के ऊपर जो भी नया बैट्समैन आएगा उसके लिए आसान नहीं है, आप सेट थे, आपको आराम से खेलना चाहिए। लेकिन खुर्रम, साइम अय्यूब ने जो ओवर किया फिर उसके बाद इसकी जो डॉट बॉल हुई उसकी वजह से प्रेशर आया ना सर, इसमें वो गए ओवर 2 या 3 रन का ओवर गया, तो पहली बात। दूसरी बात, मैं हो सकता मैं गलत हूँ, मेरा ये एक्सपीरियंस में, क्योंकि मैंने भी कप्तानी किया अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, इस टाइम दोनों एंड से स्पिनर लग जाए ना सर, मैच ऐसा चेंज होगा आप देखिएगा, क्योंकि मेहरान जो है ना बेसिकली अभी वो कर रहा था लूप से बॉल, उसको बोला जाए सर जो आप कर रहे थे ना वही आप वही बॉल करें, आप ज्यादा बॉलर ना बने, जो आप थे ना जो पिछले 2 मैचों में वही चाहिए मेहरान। साइम ने ओवर किया ना, उसके 3 ओवर और है, वो कंटिन्यू करा दे, क्या बहुत गेम चेंज हो जाएगा सर। बोलर इनके पास स्पिनर्स तो इनके पास कौन है, एक ही स्पिनर है ना इनके सर। ये जो मैच बन गया ना इस टाइम, ये गलती करेंगे कराची अपने गलतियों से मैच हारेगी। आप साइम के अय्यूब के ओवर आराम से खेलो, लेफ्ट हैंडेड आया, आप आराम से खेलो, जल्दबाजी कोई जरूरत नहीं, बोले सर विकेट मैडिंग हो गया, ठीक है, जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, फास्ट बॉलर उनके वैसे ही रन दे रहे हैं, अगर विकेट से हैंड हुए तो कराची की टीम मैच जीत सकती है। नवीन मैच में साइम के साथ पार्टनरशिप के तौर पे एक हैंड से उसने अच्छा ओवर किया, विकेट मेडन किया, प्रेशर बिल्ड बना, मसूद आए प्रेशर, चार अपने लेफ्ट ही होने का एडवांटेज लेगा कि जोन में गिरे तो मैं बड़ी हिट मारूं, मगर इसमें 90% कहां लग रही है, इस टूर्नामेंट में हिट नहीं लग रही है, वही तो बोला फॉर्म को लेके वो भी स्ट्रगल कर रहा था, मगर जितनी गंदी पिच है ना ये, उसके ऊपर इतना आराम से हिट नहीं लगेगी, आइदर आप बिल्कुल मुंह में फेंके, क्या कह रहे, फैसले भी कहीं नहीं लग रहे, क्यों शान मसूद के, क्यों एज अ कैप्टन फैसले भी कहीं नहीं लग रहे यार, अब आप उसको कप्तानी तो खैर जो भी है, मैच जीते के नहीं जीते एक मैच है, अगर जो चौका लगा दिया था, अगर इतनी अच्छी, अगर इतनी अच्छी और ऐसे कप्तान ला के बनाया गया है तो भाई आप पाकिस्तान का कप्तान ऐसे तो नहीं बन जाता, तो जिसको कप्तानी नहीं आती उसकी टीम जीत रही है, जिसको कप्तानी आती है उनका क्या हाल है, किसको कप्तानी नहीं आती जीत रही है, बाबर आजम को कप्तानी नहीं आती उसकी टीम जीत रही है, अच्छा। जिसको कप्तानी आती वो क्वालिफाई नहीं किया, तो फिर इसमें क्या हो गया? नहीं नहीं, एक चीज क्लियर कर दूं, ये इन्होंने बेसिकली मुझे कहा है क्या, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिस दिन उसने अच्छी कप्तानी की है, मैंने धड़ल्ले से बोला, आपने बोला जिसकी कप्तानी अच्छी नहीं, मैं ही बोला था उसकी कप्तानी बोला, हाँ नहीं अच्छा, आपको मैंने थोड़ी बोला है, मैचों में बोला था, ठीक है आप चले, मैंने बोला था, आप नहीं, उनको जिन्होंने हटवाया मैं उनकी बात कर रहा हूं, एक कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई जान? ठीक है, मुमताज अली जंग से बात कर रहा हूँ। जंग से मुमताज, क्या कहना चाहेंगे? मेरा तनवीर अहमद साहब से सवाल है कि पीएसएल में एक सीजन जो प्लेयर खेलते हैं फिर उसे उठा के कौमी टीम में लेकर चले जाते हैं, और आईपीएल में मैंने खुद देखा सूर्य कुमार यादव ने 5-6 सीजन खेले, उसके बाद वो इतना अच्छा T20 का प्लेयर बना, जब ये कौमी टीम में जाते फिर ये फलाप होकर वापस चले जाते हैं, क्यों करते हैं? आपकी बात समझ गया कि आपका ये कहना है कि HBL PSL में जो खिलाड़ी 1-2 मैचेस में परफॉर्म करता है, एक PSL में परफॉर्म करता है, वो पाकिस्तानी टीम में आ जाता है,
ठीक है मुमताज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप ढंग से हमें कॉल कर रहे थे, लेकिन इस दौरान सायम अयूब ने विकेट ले लिए, बोल्ड कर दिया। खुर्रम क्या बॉल तो चेक करें, क्या बॉल कर दी, ड्रीम बॉल कर दी, ड्रीम बॉल। शान मसूद को टाइम ही नहीं मिला है सर, लाइन में आया और गेंद मिस कर गया। शान मसूद को आपकी नजर लग गई? मेरी नजर नहीं लगी, उनको खुद अपनी नजर लगी हुई है, वो रन ही नहीं हो रहे, जीरो पे आउट। अब आप मुझे बता दें, अब सायम अयूब ने सर्कल में बॉल नहीं की, अब यहाँ उसने बॉल करा दी, आउट कर दिया, अब क्या होगा? चले, वो पता क्या होगा, अब वो उसका वो होगा कि यार चलो एक अच्छा फैसला हो गया, ऐसे सर्किल में गेंद नहीं कराई थी, बाद में कराई जो विकेट्स लेके। हालांकि जिस तरह वो चल रहा था उसको सर्किल में आना चाहिए था। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन जोश जगादे में एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद खुर्रम मंजूर और तनवीर अहमद के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। दो विकेटें गिर चुकी हैं, कराची के लिए मुश्किल होगी एक ऐसी विकेट पर जहां रन स्कोर करना खासा दुश्वार नजर आ रहा है। हम ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन HBL PSL 9 के हवाले से, इसमें खुश आमदीद कहते हैं। अब भी 8.4 रन फी ओवर का रन औसत दरकार है कराची किंग्स की टीम को उस हदफ तक पहुंचने के लिए जो 148 रन का टारगेट दिया है पिशावर जलमी की टीम ने, तब्दीली की है। खुर्रम कैसे देखते हैं कि आमिर जमाल जिन्होंने एक ओवर में 13 रन दिए उनको दोबारा लेकर आए बाबर, सही फैसला है? मुझे तो समझ नहीं है ये कैसा फैसला है, और एक पता है एक बंदे की नेचर में ही है, मतलब जोर लगा के बॉल करना, इस पिच पे जोर वाले बॉलर चाहिए नहीं। दूसरी बात ये सर, अभी पहले ओवर में उसने 3 चौके खाए, अब इसे बेहतर आप मेन बस जिस पे डिपेंड कर रहे हो उसी को लेके आ जाए, नवीन ही करा देते, आखिर तक रोकना जरूरी है, आखिर तक मैच जाएगा तो आप मैच में रहेंगे ना, आप चाह रहे हैं आखिरी ओवर कौन करेगा, मैरान को कर देते आप। तनवीर आपकी क्या राय है, सही वक्त पे लाए इसको? देखिए मेरे ख्याल में स्पिनर के साथ जाना चाहिए था, मुझे ऐसा लग रहा है स्पिनर ज्यादा इफेक्टिव नजर आ रहे हैं। अभी जो सिचुएशन है ना, देखें आमिर जमाल तो आइडियल है इनके लिए इस पिच के हिसाब से, क्योंकि उसने जगह पे तो बॉल करनी नहीं, जोर लगाना है उसके बल्ले पे बॉल आएगा। स्पिनर के साथ जाते या लाइन ऑफ लेंथ के लिए कोई फास्ट बॉलर होता, नवीन है और जो भी है, विकेट्स के बीच में बॉल करने की कोशिश करते। अब ये देखें अपील तो ही आउट दे रही है फैसल अफरीदी, मैं मुझे डाउट लग रहा था कि सैफर्ड को आउट ना कर दे, लेकिन अब ये मुझे लग रहा है कि शायद खाली किस ना कर जाए बॉल, अंपायर ने आउट तो दे दिया है, या हाइट लग रही है आउट है, आउट बॉल नीचे रहेगी, उसने बॉल पटकी बॉल नीचे रहेगी, स्लो ऑन किया, अभी देखें उसने नहीं लिया रिव्यू, अब लिया, टाइम हो गया था, टाइम हो गया था, मैंने इसलिए बोला ना कि ये अंपायर इस तरह की अपील से मुतासिर होते हैं, आप लोग तो क्रिकेट खेलते रहे, मतलब यानी हल्के अंपायर हो तो मुतासिर हो जाते हैं, एक आध दफा अपील साहब पे जिनको कंट्रोल इतना नहीं होता ना, उस तरह की अपील में आ जाते हैं। ये इनका दूसरा इस तरह का इस टूर्नामेंट में, पिछले में रनआउट से ये कैसे हुए थे कैजुअल, आज इन्होंने जी वो DRS लेते हुए आपने वो लेट कर गया, ये गलती नहीं है बैट्समैन की, 41 रन चाहिए थे, 41 पे खेल लेते और उन्होंने DRS ही नहीं लिया। नहीं तो वो तो इनकी गलती है, उनको फौरन फैसला करना चाहिए, जब अंपायर उंगली खड़ी करते तो उसके बाद टाइम स्टार्ट हुआ था आपका, आपको फौरन फैसला करना है, लेकिन उन्होंने शुएब मलिक से आई थिंक देर से जाके पूछा है। या शुएब मलिक अगर वो देखें, होता है कभी कभार है आप उस मूड में नहीं होते, आपको समझ नहीं आती, तो फौरन ऑन सेकंड हैंड वाला फौरन आके आवाज देता है कुछ भी, भाई टाइम कम है जल्दी फैसला लो क्या करना है, वो शायद हो सकता है उसने जो है वो लेट कर दिया। लेकिन मैं आपको अभी बता रहा हूं कि पिशावर जलमी इनको पकड़ सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये गलतियों पे गलतियां करते चले जा रहे हैं, इस पिच पे गलतियों की गुंजाइश नहीं है, विंस ने भी गलत शॉट खेला है और ये भी थोड़ा मुझे ऐसा लगता है जल्दी कर गया, क्योंकि शायद इनके माइंड में है कि स्पिनर्स के आने से पहले पहले हम जितने ज्यादा रन कर लें या आमिर जमाल के ऊपर कर लें वो इनको ज्यादा फायदा है। और हम कैसे देखते हैं, 3 विकेटें गिर गई, अब मुश्किल होगी कराची के लिए, सारा कुछ डिपेंड करता है शोएब मलिक पर। सर मैंने बोला था ना, नया बैट्समैन आके इतना इजीली नहीं खेल सकता, इतना आसान पिच नहीं है, और देख लें दोनों एंड से बैट्समैन नए आ गए और इतने आ रहे, इवन फास्ट बॉलर इस ओवर में दूसरी तीसरी बॉल डॉट हुई है, अभी इरफान आया है, इरफान भी खुले शॉट्स खेलने के लिए फंस के कम खेलता है, अभी पता क्या इस पिच पे वो कामयाब है जो टाइम लेके खेलते हैं, जो टाइम करते हैं शोएब भाई जैसे खेलते हैं, अगर शोएब भाई की बात ये मान गया पिछले मैच की तरह तो ये मैच निकाल के ले जाएंगे, यही दोनों ने अभी अभी मेरे ख्याल में 11वां ओवर चल रहा है, अभी फौरन से दूसरे एंड से मेहरान मुमताज को लेके आ जाइए,
बनता है अभी 80 रन है इसके बाद। मुमताज ने एक ओवर किया है, यहाँ पे दो ओवर करवाओ वो जब मेहरान मुमताज ने एक ओवर किया दो ये कोई नहीं उसको ले आए, उसको लेके आ जाए दो ओवर बेशक करवा दे, रन रेट ऊपर जाए, दो में उसने 15 रन दिए मेहरान मुमताज, विकेट्स मिलने के चांसेस। अगर मेहरान मुमताज ये 11वां ऐसा रेगुलर स्पिनर खेल रहा है वो तो बिल्कुल ये 11वां वो अगर करता है 12वां उसके बाद वो फिर करेगा 14वां, अगर दो ओवर वो कंटिन्यू कर जाता है यहाँ पे तो प्रेशर आएगा, विकेट्स अगर गिर गई तो फायदा। लेकिन शोएब मलिक स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलता है सर, ये पिच वो नहीं है ना, यहाँ पर फंसेगा, यहाँ फंसेगा जरा सी मिस्टेक स्टंप हो जाएगा। हाँ। बहुत ही कोई अच्छी टाइमिंग डेडली एक्यूरेट आप निकले, क्योंकि ये बेसिकली इनका कामयाब क्यों है क्योंकि ये फीट यूज करते हैं अगेंस्ट स्पिनर। हाँ। और यहाँ पे फीट यूज करना थोड़ा रिस्की है। इस वक्त एक कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आमिर सरफराज अर्ज कर रहा हूँ जी। फरमाइए आमिर साहब, आप तो वेटरन टीम के नहीं है मैनेजर वगैरह? ऑनरी सेक्रेटरी और मैनेजर, आपने बिल्कुल सही पहचाना। अच्छा, क्या पूछना चाहेंगे? मुझे ये पूछना था कि ये जो हमारा रिव्यू हो रहा है आजकल थर्ड अंपायर का, उसके अंदर क्या इस टेक्नोलॉजी को मिसयूज नहीं किया जा रहा? क्योंकि कुछ ऐसे मुतवातिर मुकाम मैंने देखा महसूस किया है कि जिसमें हमें ऐसा लगा कि टेक्नोलॉजी का मिसयूज हो रहा है, उस बारे में आपकी क्या राय है? मिसयूज से मुराद क्या है कि कोई गड़बड़ हो रही है टेक्नोलॉजी में या जो फॉर श्योर आपको अगर याद हो अपना तेंदुलकर के डिसीजन 2011 का वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल वर्ल्ड कप जी मोहाली में सईद अजमल की गेंद पर LBW जी शादाब ने भी आपको पता है कि प्रोटेस्ट किया, और आज मैंने एक वीडियो क्लिप देखा था जो वुमेन क्रिकेट लीग जो हो रही है उसके हवाले से, और वहाँ उसके अंदर जो है वो एक लेग ब्रेक बॉलर जो खातून थी जिसकी गेंद के ऊपर लेग बिफोर का डिसीजन दिया गया है, वो जितनी मेरी क्रिकेट की बसीरत है वैसे तो मैं एक अदना सा प्लेयर हूँ सही, तो वो उसमें लेकिन आप मेल क्रिकेट के साथ साथ वुमेन क्रिकेट को भी फॉलो करते हैं सर, वो एक क्लिप आ गया था तो उसको देख लिया था और चले आपके सवाल का जवाब अपने दोनों उनसे लेता हूँ मेहमानों से। आमिर सरफराज साहब बहुत शुक्रिया, रिव्यू के हवाले से बताएं। ये जो है ना ये अपनी टेक्नोलॉजी अपनी समझ से बाहर है टेक्नोलॉजी, आज ही के मैच में देख लें बाबर आजम आउट हुए, शोएब मलिक को आउट कर दिया, शोएब मलिक देखिए स्टंप स्टंप, शोएब मलिक आउट हुए सही कह रहे हैं स्टंप। हाँ तो मतलब ये कि सायम अय्यूब की दो विकेटें और दोनों मतलब अच्छी विकेटें सायम अय्यूब की, इसका मतलब है कि मैच फंसेगा। शोएब मलिक की हम बात कर रहे थे, खुर्रम ने बोला था ना कि अगर ये वैसी नहीं है पिच स्टंप भी हो जाएंगे और वही हुआ। देखिए ये मैं आपको बता रहा हूँ, बाबर आजम बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी खेला है इस पिच के ऊपर, ये नॉर्मल बॉल ब्रेक नहीं हो रहा है यहाँ एक्स्ट्रॉर्डनरी तौर पर। देखिए सर शोएब मलिक में और सायम अय्यूब की क्रिकेट में क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन यहाँ पे एक एवरेज बॉलर भी अच्छे प्लेयर को आउट कर देगा आपको समझ नहीं आएगी, वो नहीं समझ आया, वो नहीं समझ आया इसको बॉल ब्रेक इतना हो गया, लेकिन अब ये देखना है कि स्टंप स्टंप हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरह हारिस ने अब वो उस हारिस ने स्टाइल मारा है या वाकई सही में स्टंप हुआ है नहीं, लाइन बिलोंग्स टू अंपायर, लाइन पर है पैर उसका, ये तो आउट सर, आउट है, आउट है, आउटसाइड द आउटसाइड द पॉपिंग क्रीज टच है, इनसाइड द पॉपिंग क्रीज नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक और विकेट गिर गई, इस पर हम मजीद बात करेंगे। हम एक ब्रेक ले रहे हैं जोश जगादे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन में, और ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगादे में आपको खुशामदीद कह रहे हैं। बड़ा दिलचस्प मुकाबला हो रहा है कराची किंग्स और पिशावर जलमी की टीमों के दरमियान, इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे सायम अय्यूब जिन्होंने दो ओवर और पांच गेंदों पर सिर्फ 9 रन दिए थे, लेकिन उनकी आखिरी गेंद पर इरफान नियाज़ी ने चौका लगा दिया। तो इस तरह अब स्कोर जो है वो 75 रन है 3 विकेटों के नुकसान पर। तनवीर देखिए ये 8 ओवर बाकी है, देखिए 9 से ऊपर की जो एवरेज है ना ये इस पिच के हिसाब से इतनी आसान नहीं, और ये मेहरान मुमताज की मैं बात कर रहा था वो उसको लेके आ गया, शोएब मलिक उनको प्रॉब्लम जरूर होगी, ये रन इतनी आसानी से बनने नहीं चाहिए। एक चीज मैं फटाफट जल्दी से कह दूं, ये जो टेक्नोलॉजी की मैंने बात की है ना ये मुझे पसंद ही नहीं है, फारिग है बिल्कुल, इसको चेंज करने की जरूरत है। अच्छा। इसी मैच के अंदर डेनियल सैम्स का जो लेग LBW हुआ, अंपायर ने उसको नॉट आउट दिया, ठीक है, उसके बाद जब रिव्यू लिया गया स्टंप को लग रही थी, बॉल बिल्कुल स्टंप पे लग रही थी, क्यों आउट नहीं दिया कि बाबर 3 मीटर तक आ चुका था, भाई मैं मेरी बात सुने चले जी आ गया 3 मीटर पे, रिव्यू लिया बॉल पूरा विकेट पे लग रहा है, तो 3 मीटर को हमने कहा घर लेके जाना है
लेकिन मतलब बैट्समैन अगर नहीं होगा तो भाई बोल्ड हो रहा है ना, ये चीजें देखने की जरूरत है। आप भी एज अ बैट्समैन क्या समझते हैं इस तरह की टेक्नोलॉजी के, अगर अंपायर आउट देगा और बॉल जरा सा भी टच कर रही होगी स्टंप्स को तो आउट होगा। एक चीज पे बहुत ज्यादा दुनिया क्रिकेट में इशू रेज कर रहे हैं सारे, खासतौर बड़े नाम बड़े क्रिकेटर लेजेंड्स के जो इसमें रिव्यू लेते हैं ना, इसमें अंपायर का जो डिसीजन है ना ये खत्म हो जाता है कि भाई अंपायर कॉल है तो आउट दे देते हैं, नॉट आउट देता है तो अगर आप उधर रेफर कर दे ना जो उसको लगे वो दे। सही सही, ये चीज पे बहुत सारे बड़े बड़े नामों ने बेन स्टोक ने किया है और भी बड़े बड़े नामों ने इशू उठाया कि ये चीज खत्म होनी चाहिए, इससे बेहतर या तो अंपायर का ही वो आप रिव्यू नहीं ले सकते, या जब अगर कॉल हो जाए थर्ड अंपायर तो उसके बाद उसी का डिसीजन हो। ठीक, आज तो इतना बड़ा आउट था बाबर आजम का, वो 3 मीटर पे कह गए बोल दिया ये नट आउट। अंपायरिंग का स्टैंडर्ड भी नहीं, ये तो थर्ड अंपायर पे चला गया ना। ये तो थर्ड अंपायर पे अंपायर ने तो आउट ही नहीं दिया, तो ये टेक्नोलॉजी में बड़े प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। जो आमिर सरफराज सवाल पूछ रहे थे टेक्नोलॉजी के हवाले से, वो यही है, बहुत प्रॉब्लम है। और मैंने पहले भी यही शायद इसी शो में हमने यही बैठ के बात की थी कि भाई जिस जगहों पे शकोश बात जिस रूल्स पे आने लग जाए, वो बड़े बड़े नाम बोलने लग जाए, वो आईसीसी को देखने चाहिए। फुरम क्या कहते हैं, एक जुमले में बताइए कि मैच किधर जाएगा, बस फिर मैं क्लोजिंग कर रहा हूँ। सर फिलहाल तो बहुत मुश्किल है, 9:30 की एवरेज हो गई, 9:30 का एवरेज है। लेकिन कल जो मैच है वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान्स की टीमों के दरमियान है, कल भी नेशनल स्टेडियम कराची में मैच 9:00 शुरू होगा। और सिचुएशन आज क्लियर होगी कि क्या होता है, पेशावर जलमी अगर हरा देती है कराची किंग्स को तो फिर पेशावर जलमी जो है टॉप पोजीशन पर चली जाएगी। लेकिन कल के मैच का इंतज़ार है, कल फिर एक मरतबा अगर ज़िंदगी ने वफा की तो 11:00 खुर्रम मंजूर और तनवीर अहमद के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।